राइस तो हम सब खाते ही हैं, पर कई बार जो राइस बच जाते हैं हम उन्हें सुबह फेंक देते हैं, क्योंकि लेफ्ट ओवर हम खा नहीं पाते हैं। पर फिर लेफ्ट ओवर राइस का अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमें फेंकना ही पड़ता है। आप भी ऐसे ही सोचते हैं ना, पर ऐसा नहीं है। जो लेफ्ट ओवर राइस होता है उससे हम अपने लिए काफी अमेजिंग सा हेयर पैक रेडी कर सकते हैं, जो आपको पार्लर के स्पा जैसा रिजल्ट देगा। आप लोगों ने अक्सर पार्लर में जाकर स्पा तो लिया ही होगा, बट जब हम स्पा करवा के आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारे बाल काफी प्यारे से हो जाते हैं, पर जब वो हमें जो साइड इफेक्ट देता है उससे हम बड़े परेशान भी हो जाते हैं। अब आपको पार्लर में जाकर स्पा कराने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आपको पैसे वेस्ट करने हैं अपने। जो हमारे घर पे लेफ्ट ओवर राइस है, हम उसी से एक प्यारा सा फेस पैक अपने लिए रेडी कर, उसी से हम अच्छा सा हेयर पैक अपने लिए रेडी करेंगे, और जो कि केमिकल फ्री होगा, हमें कोई आगे जाके साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और हमें काफी अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, आई एम नैनी। लेट्स चेक आउट टुडेस मिरेकल। तो आपको लेना है 3 टेबल स्पून ऑफ राइस। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर है तो आपको तब भी 3 टेबल स्पून लेना, और अगर आप फ्रेश रेडी कर रहे हैं अपने लिए भी आपको 3 टेबल स्पून लेना। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है पानी। अगर आप आपके पास लेफ्ट ओवर है तो भी आपको इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि हमें इसे ओवर कुक करना है, और अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो भी आपको इसे ओवर कुक करना है, तब इतना पानी उसमें ऐड कर लें। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से बॉईल होने दें, काफी 5-7 मिनट तो लग ही जाएंगे अगर आपके कुक हैं तो भी। इसको अच्छे से आपने बॉईल कर लेना है और ओवर कुक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है एक मिक्सी का जार, उसमें ऐड करना है एक बनाना, 3 टेबल स्पून ऑफ ग्रीस लीन, 3 टेबल स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल, और जब हमारा जो हमने जो राइस को बनाने को रखा है वो पूरे पक जाए अच्छे से, उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, और उसको भी मिक्सी के जार में हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें अच्छी तरीके से इसमें इसको मिक्सी में ब्लेंड करना है, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और अगर आपको लगता है कि पेस्ट बनाते बनाते कि ये थिक हो रहा है, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा लिक्विड रखना है ताकि जब हम हमारे बालों में अप्लाई करें तो इजीली अप्लाई। आपको इसे अच्छी तरीके से छान लेना है ताकि चावल का कुछ पार्टिकल्स, मतलब कुछ ग्रेन्यूल्स वगैरह अगर इसमें हो तो वो हमारे बालों में अटके नहीं, क्योंकि बाद में फिर बहुत मेस हो जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से छान लीजिए, इजीली छन जाएगा। आपने इसे छान लेना है, उसके बाद आपको इसे अपने बालों में लेंथ से लेकर टिप्स तक अप्लाई करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, आपको ऐसे अप्लाई करना है ताकि पूरे बालों में ये अच्छे से लग जाए, क्योंकि जब ये पूरे बालों में लगेगा तभी आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। उसके बाद आपको शावर कैप पहन लेना है, मतलब अगर आपके बाल छोटे हैं तब तो आप ऐसे भी घूम सकते हैं, क्योंकि हमें इसे 30-35 मिनट रखना है, तो आप इसे ऐसे भी लेके घूम सकते हैं, बट अगर आपके बाल ज्यादा लंबे हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप कैप पहन ले, सबसे अच्छा होगा। थोड़ी कैप पहन लेंगे ना तो थोड़ा सा उसको स्टीम भी मिलती रहेगी, वो सूखेगा नहीं। पर आपको इसे अपने क्लीन बालों में लगाना है। अगर आपके बाल में ऑयलिंग वगैरह हो रखी है तो फिर आपने पहले हेयर वॉश कर लेना है, क्योंकि हमने इसे क्लीन बालों में ही लगाएंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेंगे अच्छे से। इसलिए या तो आप हेयर वॉश कर लें, अगर आपने लगा ऑयलिंग की हुई है तो आप हेयर वॉश कर लें और फिर इसे लगा लें। और अगर आपने एक दिन पहले ही अपना हेयर वॉश किया हुआ है तब आप इसे लगा सकते हैं। जैसे मैंने कल हेयर वॉश किया था तो आज मैंने ये रेमेडी ट्राई की है। तो अगर आपका ऐसा भी है, और अगर 2 दिन पहले भी हेयर वॉश किया बट आपके बालों में ऑयल नहीं है और आपको उतने गंदे नहीं लग रहे हैं बाल, आपको लग रहा है कि बाल तो हमारे ठीक है, गंदे नहीं हो रहे, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे साफ बालों में ही लगाना है। जो व्हाइट राइस होता है वो एक पावरफुल प्रोटीन होता है, जो आपके बालों में इतनी शाइन ला सकता है कि आपने सोचा भी ना हो कि हमारे बालों में इतनी शाइन भी आ सकती है क्या। जो आप वो देखते हैं ना केराटिन ट्रीटमेंट, वो वाली शाइन आपको चावल से मिल सकती है, पर रेगुलर करना पड़ेगा, इतनी शाइन ला सकता है। तो व्हाइट राइस में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जो मिनरल्स होते हैं वो बालों को शाइनी बनाने में हेल्प कर, बालों को काफी हेल्दी बनाए रख। ग्रीसलिन उन बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है जो कर्ली होते हैं, फ्रीजी होते हैं। वैसे तो ग्रीसलिन सारे ही हेयर टाइप के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, बट कर्ली बालों के लिए और फ्रीजी बालों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है।
ये आपके जो स्कैल्प होती है उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, साथ में जो जिस लोगों को मतलब डैंड्रफ हो गया है तो उसके लिए भी ये काफी यूजफुल होता है। कैस्ट्रो ऑयल के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग जानते ही कैस्ट्रो ऑयल कितना पावरफुल होता है हमारे बालों के लिए। ये फ्रिजी बालों के लिए भी काफी अच्छा होता है, जो हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन हो गया होता है ये उसे दूर करता है, बालों को ग्रो करने में, बालों को हेल्दी बनाए रखने में ये हेल्पफुल होता है। तो ओवरऑल ये जो हेयर मास्क मैंने आपके साथ जो आज शेयर किया है ये आपको काफी अच्छे से रिजल्ट देने वाला है, मतलब आपको हेयर स्पा वाली फीलिंग, आपको हेयर स्पा वाली फीलिंग आने वाली है। मेरा अभी तक का बेस्ट हेयर मास्क आप पूछेंगे कौन सा है तो मैं यही बोलूंगी, मुझे ये काफी पसंद आया क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग ये जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको एक बार में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। मतलब मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कोई भी रेमेडी हम एक बार करेंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पर ये करने के बाद आपको एक बार में ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी एक बार में ही रिजल्ट मिले। तो आप इस हेयर पैक को जरूर ट्राई करना और आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।